अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को। ठीक है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, पिछली कक्षा में हम बताए हैं, फिर से उसका दोहरान कर दे रहे हैं ताकि आगे कोई ध्यान से सुन रहे हैं सारे बच्चे। दिक्कत ना हो। यस तो सर, ध्यान से सुने, यस हमने सर, बताया था कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। में उड़ते हैं, ये अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक है? पेड़ से, अकर्मक है, अकर्मक अकर्मक। है। पेड़ से पत्ता गिरता है, अकर्मक, गिरता है, क्यों अकर्मक है? अकर्मक, क्यों अकर्मक है? अकर्मक है क्योंकि सर इसमें कर्म नहीं है। इसलिए क्योंकि कर्म नहीं है सर, अरे सिर्फ और सिर्फ सर कर्तव्य जी, क्रिया, इसलिए सर अकर्मक है। दोनों वाक्य अकर्मक हैं, ये सारे बच्चे पहचान चुके हैं। ये गिरना और उड़ना क्रिया है, क्या से हम प्रश्न बना यस लेंगे, सर, क्या से, क्या उड़ते क्रिया हैं तो है पक्षी, पक्षी उड़ते हैं तो हम पक्षी। इसको कर्म मान बैठते हैं, क्या गिरता है पत्ता तो इसको हम क्या मानते हैं, कर्म मान बैठते हैं, जबकि कर्म नहीं है। यदि किसी वाक्य में करता होगा, किसी वाक्य में क्रिया है तो कर्ता निश्चित होगा। ये बताओ, गिरने का काम पेड़ कर रहा है कि पत्ता गिर कर रहा है? पत्ता कर रहा है जो सर, पत्ता काम पत्ता कर रहा है करने सर, वाला पत्ता होता है उसे तो हम कर्ता कहते हैं। कर्ता कहते हैं, उड़ने का काम पक्षी कर रहा है कि आकाश कर रहा है? पक्षी 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 कर रहा कर रहा है है, सर, उसको हम क्या पक्षी मानेंगे, कर्ता कर्ता मानेंगे, क्या मानेंगे, कर्ता कर्ता मानेंगे। कर्ता और आकाश में कौन कारक है? अधिकरण में पर अधिकरण या कारक, अधिकरण अधिकरण कारक कारक है, और पेड़ से पत्ता गिरता है तो अपादान कारक है, अपादान अपादान कारक, कारक है। अपादान कारक इसलिए यहाँ कर्म का अभाव है, कर्म का अभाव है, इसलिए यह कौन सा क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया, अकर्मक अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक क्रिया। है, यहाँ तक, यस यहाँ तक ठीक है ना? और एक और सर, तरीका, एक और तरीका बताए जी थे सर, पद परिचय का, याद होगा पद परिचय का, पद परिचय का, पद परिचय का जो मैंने तरीका बताया कि मोहन चलता है, मोहन चलता है, एक और तरीका देख लो सकर्मक और अकर्मक पहचानने का। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, और मोहन तेज चलता है, तेज चलता है। बताओ कौन अकर्मक है, कौन सकर्मक है? पहला मोहन चलता है, अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, अकर्मक है। हम इसको पहचानेंगे कैसे, किसी भी वाक्य की संरचना होती है या कर्ता होगा प्लस कर्म होगा कर्म होगा प्लस प्लस क्रिया होगा, क्रिया क्रिया होगा। ठीक होगा है, चलना क्रिया है, चलना क्या है, ये क्रिया है, और मोहन क्या क्रिया है, कर्ता है। अब इसमें है केवल कर्ता और क्रिया मिल रहा है, कर्म नहीं मिल रहा है, इसलिए वाक्य क्या हो जाएगा, वाक्य क्या हो जाएगा, अकर्मक, अकर्मक, अकर्मक। अकर्मक। ठीक है, यहाँ मोहन करता सकर्मक है, पढ़ना क्रिया है, सकर्मक सकर्मक है सर, कर्म है, पुस्तक तो कर्ता भी मिल सकर्मक रहा है, कर्म भी मिल रहा है और सकर्मक क्रिया भी मिल रहा है। ठीक है, यस सर, सकर्मक तो ये वाक्य कैसा बन जाएगा, सकर्मक, सकर्मक, कर्मक, सकर्मक। मोहन तेज चलता है, मोहन करता है, सर ये अकर्मक हो गया, मोहन तेज चलता है, चलना अकर्मक ये क्रिया हो गया। तेज क्रिया विशेषण हो अब ये विकारी तेज हो जो है, विशेषण हो जाए, तेज जो है अविकारी, विकारी शब्द नहीं अविकारी, है, न ही संज्ञा अविकारी, है, न ही सर्वनाम है, ये अविकारी है, विकारी शब्द है, अविकारी है, विकारी शब्द में कोई परिवर्तन क्रिया नहीं विशेषण है होता। सर,
राधा तेज चलती है, कर्ता बदल जाएगा, क्रिया बदल जाएगा, लेकिन ये तेज शब्द नहीं बदलेगा। तेज का तेजा तेजी नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया? Yes. अकर्मक हो गया। और ये जो है तेज जो शब्द है क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता को बताता है, क्रिया विशेषण है। हाँ बेटा होगा, क्रिया विशेषण है, ठीक है। ये वाक्य क्या बन जाएगा? अकर्मक बन जाएगा। हिंदी ग्रामर की बुक में तो क्रिया दिया ही नहीं है सर, हिंदी ग्रामर की बुक में क्रिया चैप्टर नहीं दिया है। हाँ बेटा सर, हिंदी ग्रामर की बुक में सिर्फ चार चैप्टर दिया है सर। हाँ, क्रिया चैप्टर को हमको पढ़ लेना है ताकि आसानी हो जाएगी। नहीं दिया है लेकिन में लिखेंगे। हाँ नहीं बेटा, नहीं कॉपी लिखेंगे तभी चैप्टर को। व्याकरण की जानकारी के लिए हमें यह जानना बहुत अनिवार्य है। यस सर, ठीक है। हमें जानना अनिवार्य है, व्याकरण जानना अनिवार्य है। कितना सिलेबस में आई है? सिलेबस तो कट गया है, सिलेबस कट गया है, तो हमें ये चीज जाननी जरूरी है। इसको हमको जानना है बेटा। कौन से बुक से पढ़ते हैं सर? हिंदी का सर। कौन सा बुक से पढ़ा है दिखाइए ना, कौन सी कंपनी की है सर? कई बुकों से पढ़ाया जाता है, किस कंपनी का नाम बताएं और किससे जानोगे? अब देखो पहली बात पढ़ो, पहली बात एक और चीज जानना है। अब तो हमने अकर्मक क्रिया पढ़ा, अब हम एग्जाम कैसे होगा? सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, नोट करो, मेरे साथ नोट कर लो। सर एग्जाम कब से होगा? डेट दिया जाएगा बेटा, घबराओ मत। सकर्मक स्कूल में होगा कि ऑनलाइन होगा? ऑनलाइन होगा सर। सर ऋषि मैम होगा कि अक्टूबर में? हमें अभी पता नहीं है बेटा, ये नोट करो पहले, यहाँ ध्यान दो। ऑनलाइन होगा ना, कोड से जो पता चल जाएगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। पहले याद कर सकते हैं। यस सर। सकर्मक क्रिया के दो भेद मेरे साथ नोट करते जाएं। एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। इसको हम द्वि जो है संस्कृत में होता है, इसका हिंदी बनता है बहुकर्मक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसमें एक कर्म हो, यानी क्रिया के साथ एक कर्म का प्रयोग किया जाता है तो एक कर्मक क्रिया कहलाता है, क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है तो द्विकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, एक कर्मक क्रिया देखो, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। यहाँ छात्र जो है क्या है? एक कर्म है, ठीक है। यस सर। इसलिए यह वाक्य कैसा हुआ? एक कर्मक क्रिया हुआ। अब फिर लिख दिया मैंने कि अध्यापक जानकारी के लिए पढ़ा रहे हैं, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ा, अध्यापक ने के लिए पढ़ा रहे हैं सर, हिंदी पढ़ाया, हिंदी पढ़ाई छात्रों को, हिंदी हिंदी अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। इसमें भी देखो एक कर्म हो गया। अब द्विकर्मक अध्यापिका होगा ना, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, सब पढ़ाई ना। हाँ लिखे हैं अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, ये हिंदी जो है एक कर्म है, पढ़ाया ना सर। नहीं बेटा जो लिख रहे हैं वो देखो। अब देखो द्विकर्मक में, द्विकर्मक हम कैसे बनाएंगे कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी
अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, देखिए इसमें दो कर्म हो गया, एक कर्म यह हो गया क्या पढ़ाया तो हिंदी पढ़ाया, किसको पढ़ाया तो छात्रों को, एक यह कर्म हो गया और यहाँ एक कर्म हो गया, तो यहाँ दो कर्म हो गया यहाँ एक कर्म हो गया। हम खूब आसानी से पहचान सकते हैं कि द्विकर्मक क्रिया क्या है, एक कर्मक क्रिया। सर एक बार और, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, इसमें एक ही कर्म है केवल छात्र, इसलिए यह वाक्य एक कर्मक क्रिया, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, यहाँ भी एक कर्म है, द्विकर्म मैंने बना दिया कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, यहाँ द्विकर्म हो गया। इतना समझ में आ गया? अब इस द्विकर्मक क्रिया के दो भेद, इस द्विकर्मक क्रिया के दो भेद हो गए, तो एक तो द्विकर्मक क्रिया के, इस द्विकर्मक क्रिया के, द्विकर्मक क्रिया के भी दो भेद हो जाते हैं, मुख्य क्रिया गौण क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया और दूसरा गौण क्रिया, गौण क्रिया। ठीक है, अब देखो मुख्य क्रिया किसे कहते हैं और गौण क्रिया किसे कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया एक वाक्य, इन दोनों को हमको पहचानना है, मुख्य क्रिया, इसके दो भेद हो गए ना, इसके दो भेद हो गए, एक तो मुख्य क्रिया। सर राजपूत कौन सा समास है? मुख्य क्रिया पहले ये सुनो, बताएंगे समास प्रकरण में, मुख्य क्रिया, क्रिया में समास पूछ रहे हो, गौण क्रिया, गौण क्रिया, मुख्य क्रिया और गौण क्रिया में, मुख्य क्रिया और गौण क्रिया हम कैसे पहचानेंगे? अभी अभी कल टीवी में हम देख रहे थे एक कथावाचक जो है, एक कथावाचक अपने जन्मदिन के अवसर पर कंबल बांट रहा था, 3:30-4 बजे के आसपास देख रहे थे कि कंबल बांट रहा था, तो या सर कथावाचक में क्या किया, इसी को उदाहरण बना लेते हैं। कथावाचक ने गरीबों को कंबल दिए, गरीबों को कंबल दिए, कथावाचक ने गरीबों को कंबल दिए, दान दिए, यहाँ दान बना दो, दान दिए, दान दिए, दान किए, दान दिए बेटा। ठीक है, कथावाचक ने गरीबों को दान दिए। अब देखो ये हमको बहुत विशेष रूप से मुख्य क्रिया और गौण क्रिया को पहचानना है कि क्रिया से ठीक पहले ये देना क्रिया का रूप है, देना क्रिया का रूप है, देखो देना क्रिया का रूप है, ठीक इसके पहले ये कंबल जो है कर्म आता है, यानी क्रिया के ठीक पहले यदि कर्म आ जाए तो वह क्या होगा, क्रिया से ठीक पहले गौण क्रिया, यदि यदि कर्म आ जाए, क्रिया से ठीक पहले यदि कर्म आ जाए तो उसे ही हम मुख्य क्रिया कहेंगे, मुख्य क्रिया पहचान जाएंगे ना, मुख्य क्रिया कहेंगे। और इस कर्म के बाद यदि कोई कर्म आता है तो वह जो है गौण क्रिया होगा, गौण क्रिया होगा।
ये कठिन समझ में आ रहा है तो एक चीज और याद रखना, गौण क्रिया हमेशा सजीव होगा, ये याद रखो, सजीव होगा, गौण क्रिया हमेशा सजीव होगा। को विभक्ति लगी होगी, सजीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और निर्जीव कर्म के साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। और मुख्य क्रिया हमेशा क्या होगा, निर्जीव होगा, मुख्य क्रिया हमेशा निर्जीव होगा, निर्जीव होगा, याद रहेगा, याद रहेगा। यस सर, नोट कर लो, हमेशा निर्जीव होगा। सर मुख्य क्रिया एक बार और बता दीजिए, सर मुख्य क्रिया एक बार और बता दीजिए, सर मुख्य क्रिया एक बार और बता दीजिए। एक पहचान देख लो, क्रिया के ठीक पहले यदि कोई कर्म दिखे वह ठीक पहले होगा, वैसे तो क्रिया के पहले ये भी है लेकिन ठीक पहले यहाँ कर्म हमें दिख रहा है कंबल, तो ये मुख्य क्रिया होगा, वह निर्जीव होगा। और इस मुख्य क्रिया के पहले, मुख्य क्रिया के पहले यदि कोई कर्म दिखता है तो वह गौण क्रिया होगा, और यह गौण क्रिया जो होगा वह सजीव होगा, वह सजीव होगा, इतना पहचान लेंगे, वह सजीव होगा। एक और पहचानने का तरीका लिख लो, द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में, मेरे साथ लिखो, द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में, सर 2 मिनट चाहिए, द्विकर्मक, रुक जाइए सर, द्विकर्मक, सर 2 मिनट रुक जाइए, क्रिया वाले वाक्यों में, वाले वाक्यों में, वाक्यों में गौण कर्म पहले व मुख्य कर्म बाद में, गौण कर्म पहले देखो, पहले गौण कर्म, पहले गौण कर्म, पहले पहले व मुख्य, मुख्य मुख्य कर्म बाद में लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है। ये वाक्य शुद्धि का भी नियम है, इससे हम वाक्य शुद्ध और अशुद्ध भी पहचान सकते हैं। द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में गौण कर्म पहले व मुख्य कर्म बाद में अरे उदाहरण देके बताइए सर, एक उदाहरण देके। अरे बेटा ये उदाहरण है, कथावाचक ने गरीबों को उदाहरण है कंबल दान दिए, अब देखो गरीबों को दान दिया तो ये 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 पहले कर्म आ गया, पहले कर्म आ गया ना गरीबों को, और वह कैसा कर्म है, सजीव कर्म है, सजीव कर्म है जिसके साथ को विभक्ति लगा हुआ है, ठीक है, जिसके साथ को विभक्ति। उसके बाद दूसरा कर्म हमें क्या दिखा, कंबल दिखा, कंबल निर्जीव है इसलिए यहाँ विभक्ति नहीं लगी हुई है, ठीक है। यस सर, तो ये दूसरा जो कर्म दिख रहा है यह मुख्य कर्म हो गया, पहला जो कर्म दिख रहा है वह गौण कर्म हो गया। कितना सर की को शब्द का कैमरा उधर घुमाइए, सर कैमरा उधर घुमाइए, वाक्य में सर ने शब्द का पहले प्रयोग करना चाहिए सर की को शब्द का, कर्ता के साथ ने विभक्ति का है बेटा, ये देखो कारक पढ़ेंगे तो कर्ता ने होता है, कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कारक पढ़ाए हैं तभी नहीं पता है सर, जैसे सर पहले ने का प्रयोग होता है ना। हाँ बेटा, यदि कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो जाए, ये देखो यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो जाए तो 3 उत्तर हमें निधड़क देना है, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो जाए, कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होगा तो वह
वह काल भूतकाल में आ जाएगा, भूतकाल होगा। वह वाक्य कैसा बन जाएगा? भूतकाल बन जाएगा, भूतकाल में सर, भूतकाल। और क्रिया कैसी होगी? क्रिया सदैव जो है सकर्मक होगी, सकर्मक होगी, सकर्मक होगी। और वाच्य जो है कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। ये देखो बहुत अच्छा ट्रिक है ये, ने विभक्ति केवल कर्ता के साथ आ जाए तो ये तीन उत्तर हमें खूब आसानी से दे देना है, तीन उत्तर खूब आसानी से दे देना है, ठीक है? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। यदि कर्ता के साथ, कर्ता के साथ ने विभक्ति आ जाए, कर्ता के साथ ने विभक्ति आ जाए तो वाक्य सदैव भूतकाल का होगा, वह वाक्य सदैव भूतकाल का होगा। नोट कर लो, नोट कर लो, भूल जाओगे बेटा, व्याकरण है इसको नोट कर लो, भूल जाओगे, नोट कर लो। सर बोलिए, कर्ता के साथ यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाए तो काल सदैव भूतकाल होगा, काल सदैव भूतकाल होगा, काल सदैव भूतकाल होगा, काल सदैव भूतकाल होगा। क्रिया, क्रिया सदैव सकर्मक होगी, क्रिया सदैव सकर्मक होगी। नोट करो, क्रिया सदैव सकर्मक होगी। क्रिया सदैव सकर्मक होगी। और वाच्य, वाच्य जो है कर्तृवाच्य होगा, वाच्य जो है कर्तृवाच्य होगा। एक बार और बोल लीजिए सर शुरू से। यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाए, ने विभक्ति का प्रयोग हो जाए तो काल सदैव भूतकाल होगा, काल सदैव भूतकाल होगा, काल सदैव भूतकाल होगा। क्रिया सदैव सकर्मक होगी, सकर्मक होगी। और वाच्य सदैव कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। तीन उत्तर हम दे सकते हैं, केवल ने विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से हमको कारक, कारक पढ़ा चुके हैं, केवल ने विभक्ति दिया जाए। कर्ता ने कर्म को करण से, अब देखें ये जो को विभक्ति है, ये को विभक्ति यदि किसी कर्म के साथ लग जाती है तो वह सदैव सजीव कर्म के साथ लग, ये याद रहेगा। इसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, मारा। अब यहां मैंने लिखा था अभी, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने हिंदी को पढ़ाया नहीं, पढ़ाई नहीं, क्योंकि हिंदी जो है निर्जीव कर्म है। और वही मैंने लिखा था कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाई, तो छात्रों को पढ़ाई का मतलब हो गया छात्र जो है सजीव कर्म है, इसलिए मैंने क्या किया, को विभक्ति का प्रयोग किया, और निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया। ये भी नोट कर लो, सजीव कर्म के साथ, नोट कर लो, सजीव कर्म के साथ, सजीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि निर्जीव कर्म के साथ, फिर लिखो, सजीव कर्म, सजीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, शुरू किया, को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाए तो वह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध,
सजीव कर्म के साथ को भी भक्ति का प्रयोग किया जाता है, सजीव कर्म के साथ को भी भक्ति का प्रयोग किया जाता है, यदि निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाए तो वह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। हम सारे बच्चे पहचान चुके हैं, कितना मिनट और रह गया है? 7 मिनट 30 सेकेंड। अभी हमने पढ़ाया कि एक कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक कर्मक क्रिया और द्वि कर्मक क्रिया, उदाहरण भी हमने दिया। अब मेरे बच्चे बताएंगे, मैं 4 वाक्य लिख रहा हूँ, कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का है और कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का है। मैंने लिख दिया मोहन ने गाय को चारा खिलाया। सकर्मक क्रिया ही लिखेंगे। हमको सकर्मक क्रिया के भेद बताना है कि इसमें द्विकर्मक क्रिया है कि एक कर्म लिख दे रहे हैं, मालिक ने नौकर को डांटा। सर कर्मक है, सर कर्मक है सर। कथावाचक ने गरीबों को कंबल कथावाचक ने गरीबों को कंबल दान दिए, द्विकर्मक। न्यायाधीश ने अपराधी को बेगुनाह साबित किया, मृत्युदंड सजा सुनाई। ऐसे बोलोगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। एक कर्म, एक साथ बताओ, ये कितने पक्ष में है कि द्विकर्मक है कि एक कर्मक है? सर द्विकर्मक है, कितने बच्चे इसके एकर्मक के पक्ष में हैं? नाम बताओ, एकर्मक के पक्ष में कोई बच्चा है कि नहीं? नो सर कोई नहीं। अच्छा चलो ठीक है, इसमें कोई पक्ष में नहीं है, यानी यह सकर्मक क्रिया, एकर्मक है, सेकंड वाला एकर्मक है, द्विकर्मक है, द्विकर्मक है, द्विकर्मक है सर। ये गाय और चारा दो कर्म है यहाँ, ये द्विकर्मक है ठीक है। मालिक ने नौकर को डांटा, एक कर्म है। यहाँ नौकर एक कर्म है। देखो सजीव कर्म के साथ मैंने को विभक्ति
का प्रयोग किया, मालिक ने नौकर डांटा, यदि कर देंगे तो गलत हो जाएगा कि नहीं गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा सर। क्या शुद्ध हो जाएगा? सजीव तो सजीव कर्म के सजीव है तो को लगाना पड़ेगा सर। कथावाचक ने गरीबों को कंबल दान दिए, न्यायाधीश ने अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई, ये जो लाइन है ये जो कर्मक होगा, एक कर्मक, एक कर्मक होगी, एक कर्मक। अब कैसे होगी ये जान जाओ, एक कर्म क्रिया ये बहुत दिया जा रहा है, देख लो कैसे होगा, नहीं कर रही है, दिया जा रहा है, नहीं कर रही है, ये देना क्रिया का रूप है। दो चीज लिख लो मेरे साथ, नोट करो, ये देना क्रिया का जो रूप है इसके दो रूप होते हैं, एक तो किसी को सही और एक गलत, एक किसी को सही दिया जाता है और किसी को गलत दिया जाता है, किसी को सही दिया जाएगा गलत दिया जाएगा। नोट करो मेरे साथ, नोट करो, किसी को सही दिया जाएगा और सही देने का मतलब देकर वापस लेना, देकर देकर वापस नहीं लेना, देकर वापस लेना शास्त्रों और देकर वापस निशान। और इसके भी दो रूप हो गए, सही के भी दो रूप, देकर वापस लेना और देकर वापस नहीं लेना, देकर वापस वापस नहीं लेना। और गलत के भी दो रूप हो गए, सेम वही, देकर वापस लेना, देकर वापस लेना और देकर वापस नहीं लेना, देकर वापस नहीं लेना। अब कौन ऐसी चीज है जो देकर हम वापस नहीं लेते हैं, और कौन ऐसी चीज है जो देकर वापस लेते हैं? गाली। ठीक है, अब देखो, अब देकर वापस लेना, जैसे मैंने देकर वापस हम उधार वापस लेते हैं, देकर वापस लेना क्या देते हैं, किसी को उधार दे दिए, पैसा देकर वापस मांग लेते हैं, मैंने ले लिया, किसी को मोबाइल दे दिया बात करने के लिए, बात कर लिया वापस ले लिया, किसी को साइकिल दे दिया वापस ले लिया, किसी को मोटरसाइकिल दे दिया, पुस्तक पढ़ने को दे दिया फिर वापस ले लिया। और क्या चीज देकर वापस हम नहीं लेते, जैसे किसी को मैंने गाली सर दान दे दिया, भिखारी को पैसा देकर नहीं लेते, गलत बात बेटा, किसी को मैंने दान दे दिया, किसी को मैंने उपहार दे दिया, किसी को पुरस्कार दे दिया, तो हम देकर वापस इसको नहीं लेते।